हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विंज वर्ल्ड ऑफ लव वांगज्यान पर। आज मैं लेट्स प्ले अगेन बीबी का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। और इसे शेयर करने से पहले पिछले पार्ट के लिए माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने बिल्कुल भी आप लोगों को वार्निंग नहीं दी थी। तो यह वार्निंग दे रही हूँ कि ये जो कुछ भी मैं सुनाऊँगी, ये मेरी मतलब मैंने खुद ही इसे सोचा है, खुद ही इमेजिन किया है, फिर इसे एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग ये सब सच ना समझें और रियल लाइफ में करने की तो गलती ना करें, क्योंकि मेरा तो कुछ भी नहीं जाने वाला। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, जो भी जाएगा वो आपका जाएगा। तो टेंशन आपका होगा कि आप बाद में खतरे में आते हैं या फिर बच जाते हैं। इसलिए ये सब चीज़ अपने रियल लाइफ में ना सोचें। और हाँ, मेरे व्यंजकों को तो बिल्कुल भी गलत ना समझें। तो ये शुरुआत करती हूँ मैं। कहानी की शुरुआत होती है उस टाइम बाद से जब अपना झाऊ जबरदस्ती वेंके सिंह को किस कर रहा था। अब सीन यहाँ से कट हो रहा है। हमें बताया जाता है झाऊ जो कि वेंके सिंह के निकट बॉडी पर ही ऐसे लेट सा गया था, सो सा गया था। वेंके सिंह भी रोता हुआ भी वैसे ही सो गया था। वेंके सिंह की हालत बहुत ख़राब थी। अब वहाँ अचानक से कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि उस बार में छापा मारते हैं। वहाँ जितने भी पीने वाले लोग रहते हैं उन सभी को पकड़ के ले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है झाऊ जिसो जो कि वेंके सिंह के बॉडी में ऐसे ही लेता हुआ था। वो एक पुलिस वाला आता है जो कि झाऊ जिसो को वेंके सिंह की बॉडी से दूर करता है। उसे लेके झाऊ जिसो होश में नहीं था। झाऊ जिसो का एक सर एक साइड झुका हुआ था और वो नशे में ही था, बिल्कुल ही सोया हुआ था, उसके होश ही नहीं था उसे। और वो पुलिस वाला उसे पकड़ता है और वहाँ से जीप में बिठा देता है। और वेंके सिंह को हॉस्पिटल ले जाया जाता है क्योंकि वेंके सिंह की बॉडी में बहुत सारे बाइट्स के निशान थे और वेंके सिंह की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए वेंके सिंह को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब हमें दिखाया जाता है दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ झाऊ जिसो को पुलिस स्टेशन ले जा चुके गए रहता है। झाऊ जिसो लॉकअप में रहता है। और यहाँ हमें वांग को दिखाया जाता है, वांग जो कि झाऊ जिसो से मिलने आता है और बोलता है कि ये कैसे हो गया करके। और वांग झाऊ जिसो को मतलब बेल करवाने की कोशिश करता है पर झाऊ जिसो को बेल नहीं मिलती। अब यहाँ से सीन कट होता है। हमें वेंके सिंह को दिखाया जाता है। वेंके सिंह की हालत बहुत ख़राब रहती है। वेंके सिंह बहुत ज़्यादा घबराया हुआ रहता है। वेंके सिंह बस डरा हुआ रहता है। पुलिस वाले लोग उससे कुछ वो जो कार्रवाई होती है वो सब कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते कि ये सब कैसे हुआ। तो वेंके सिंह जो कुछ भी बार में हुआ वो सब कुछ पुलिस वाले को बताते रहता है। अब हमें कुछ देर बाद बताया जाता है, माफ़ करना दोस्तों मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी जल्दी बता रही हूँ तो आप लोग समझ जाना। अब हमें बताया जाता है थोड़ी देर बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। ये वाला हॉस्पिटल नहीं है जहाँ अपना वेंके सिंह है, ये एक अलग हॉस्पिटल है। हमें वहाँ दिखाया जाता है, वहाँ एक औरत लेटी हुई रहती है। सीधे एक मतलब एक रूम है, जो रूम होता है वहाँ एक औरत लेटी हुई रहती है। और हमें उसके पास एक पर्सन को आते हुए दिखाया जाता है। वो पर्सन उस औरत के पास आता है, बैठता है और उसे देखता रहता है। और फिर बैठ के थोड़ी देर देखते हुए फिर वो पर्सन उस औरत के हाथों को पकड़ लेता है, प्यार से अपने गालों के पास रखता है और बोलता है, माँ माँ आप कब जागोगे, कब आओगे आप माँ, आप जाग जाइए ना माँ, प्लीज़ माँ, मैं और कब तक आपके वो कमी ऐसे महसूस करता रहूँगा माँ, प्लीज़ माँ जाग जाइए ना माँ, प्लीज़ माँ जाग जाइए, मैं नहीं रह पा रहा हूँ माँ, मुझे आपकी कमी महसूस होती है माँ, प्लीज़ माँ जाग जाइए ना माँ।
अब हमें उस पर्सन के फेस को दिखाया जाता है जो कि उस औरत के हाथों को अपने फेस पर रख के सहलाते रहता है। वो वांग था। अब हमें वांग का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमें एक 10 साल के बच्चे को दिखाया जाता है जिसके घर में अचानक से न्यूज़ आती है, मतलब कि पहले तो अपना जो 10 साल का बच्चा है वो अपना वांग रहता है, वो बाहर से खेल के आया हुआ रहता है, खेल के आता है, अपने पापा को सामने देखता है और पापा से बोलता है, पापा पापा मम्मा कहाँ है, मम्मा कब आएंगी? तो उसके पापा बोलते हैं, हाँ बेटा मम्मा आ जाएंगी, तुम रुको मैं कॉल करता हूँ। अब जैसे ही वांग के पापा कॉल करने वाले रहते हैं, उसके पापा को एक कॉल आ जाता है और उसके पापा जैसे ही कॉल उठाते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं और बात करते हैं, जैसे ही थोड़ी देर में वांग के पापा के हाथ से फ़ोन गिर जाता है और वो वैसे ही खड़े खड़े सीधे नीचे गिर जाते हैं। वांग समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। वांग अपने पापा के पास जाता है, उनके शरीर को हिलाता रहता है और बोलता है, पापा पापा उठिए ना, आप क्यों ऐसे सो गए अचानक से, उठिए ना पापा। पर वांग के पापा तो उठ ही नहीं रहे थे। वांग कुछ नहीं समझ पाता, वांग अचानक ही रोने लग जाता है। वांग के रोने के कारण उसके जितने भी आस पड़ोस में रहते हैं नेबर्स सब आ जाते हैं। वांग के पास आते हैं, देखते हैं तो वांग के पापा वांग को छोड़कर जा चुके थे। कोई नहीं समझ पाता कि अचानक क्या हुआ। अब उनमें से एक पर्सन जो कि वांग के पापा के कॉल को चेक करता है और जहाँ से कॉल आया था उसे उस नंबर पर कॉल लगाता है और पता करता है क्या हुआ। तो बताया जाता है कि वांग के मम्मी के साथ कुछ गलत हुआ, वांग की मम्मी के साथ कुछ गलत हुआ है। और ये सब बताया जाता है कि वांग की मम्मी का रेप हुआ है असल में, ये बताया जाता है। जो जो वहाँ आया था जो कि पता कर लेता है इस बात को, वो वांग को नहीं बताता इस बात को और वांग को लेकर जल्दी से वांग की मम्मी तक पहुँचता है, उन्हें हॉस्पिटल भर्ती करवाता है। और यहाँ अपना वांग जो कि बच्चा ही था लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे उसे पता चलता है कि ये सब कैसे हुआ और क्या हुआ। तो यहाँ बताया जाता है कि वांग की मम्मी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें गलती रहती है झाओ के पापा की, यहाँ गलती होती है झाओ के पापा की। असल में हमें बताया जाता है कि अपने वांग की मम्मी जो कि रात को देर से अपने ऑफिस से वापस आती रहती है, वो एक ऑफिस वर्कर रहती है और वैसे तो रोज़ टाइम पर वापस आ जाती है अपने अपने ऑफिस से घर पर वापस, पर आज कुछ ज़्यादा ही देर हो चुकी रहती है। और अपने वांग की मम्मी जो कि वापस आती रहती है, पर अचानक ही उन्हें कुछ लड़के घेर लेते हैं। वांग की मम्मी बचने की कोशिश करती है पर नहीं बच पाती। वांग की मम्मी बहुत कोशिश करती है कि वो अपने बचाव कर पाए, पर उनका रेप कर दिया जाता है। वहाँ 4 लोग थे जो कि वांग की मम्मी का रेप कर देते हैं। और एक पर्सन होता है जो कि कॉल करके वांग के पापा को बताता है कि ऐसा हुआ, मतलब वांग की मम्मी के कॉल से ही, जो फ़ोन से ही उनको फ़ोन करके बताता है कि उनका उनके साथ ऐसा सा हुआ। और वांग के पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और वांग को छोड़कर चले जाते हैं। अब हमें उसी सीन का दिखाया जाता है जब अपना वांग अपने मम्मी के हाथों को अपने फेस पर रख कर सहलाता रहता है। वांग बोलता है, मम्मा उठ जाइए ना,
मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मम्मा, आपके साथ जो कुछ भी हुआ, जिसकी वजह से हुआ, मैंने उनमें से एक को सजा दे दी। मैंने उनमें से एक को सजा दे दी मम्मा। मैं बाकी सबको भी सजा दे दूँगा मम्मा। आप उठ जाइए ना मम्मा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना मम्मा, आप उठ जाइए ना। अपना वांग जो कि अपनी माँ के हाथ को पकड़ के वैसे ही बोलता रहता है, वांग की आंखों में आंसू रहते हैं। अब हमें वांग की माँ को दिखाया जाता है, वांग की माँ के भी आंसू बहते रहते हैं। मतलब वांग की माँ जो कि इतने टाइम से, मतलब जब वांग सिर्फ 10 साल का था तब से ही वो कोमा में जा चुकी रहती है, क्योंकि 4 लोगों का एक साथ रेप करना, मतलब आप लोग सोच भी सकते हो कि एक औरत की, एक लड़की की क्या हालत हो सकती है। वांग की माँ तो एक लाश बन चुकी रहती है, एक जिंदा लाश, और उनकी हालत बहुत ख़राब रहती है, और वो लगभग कोमा में जा चुकी रहती है, क्योंकि रेप के दौरान जो कि ये सब कुछ हो रहता है तो उनको ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हुई रहती है, जिस वजह से वो कोमा में जा चुकी होती हैं। अब हमें यहाँ से सीन कट रहा है, हमें फिर से झाऊ को दिखाया जाता है। झाऊ जो कि वहाँ होता है अपने जो पुलिस स्टेशन है वहाँ होता है। अपना झाऊ जिसु जो कि पुलिस वालों से बोलता रहता है, सर आपने मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है, मेरी क्या गलती है, मुझे निकालिए यहाँ से। पर वो पुलिस वाला बोलता है, अच्छा बेटा तू इतना सब कुछ करके, एक लड़के के साथ इतना सब कुछ करके तू बोल रहा है कि तेरी गलती क्या है, मतलब क्या है तेरा, तू साले इतनी बड़ी गलती किया और तुझे कुछ पता नहीं है, तू ऐसी हरकत कर रहे है। झाऊ बोलते हैं, पर सर मैंने क्या किया है, मेरी गलती क्या है, मुझे बताइए तो सही। वो जो पुलिस वाला रहता है बहुत भड़क जाता है। अब पुलिस वाला झाऊ जिस लॉकअप में बंद था उसका लॉक खुलता है, उसका कॉलर पकड़ता है, उसे अपने साथ जिप में बिठाता है और उसे खींच के सीधे उसी हॉस्पिटल लेके जाता है जहाँ अपना वेन था। वेन की हालत बहुत ख़राब थी, वो बिस्तर में पड़ा हुआ था अपना वेन। वो पुलिस वाला झाऊ के कॉलर को पकड़ के वेन जिस रूम में था वहाँ तक लेके जाता है और उसे वहाँ खड़ा कर देता है और बोलते हैं, तेरी गलती क्या थी, देख इसे देख, इसकी जो हालत है ना आज, ये तूने की है, तू सोच सकता है। झाऊ का चेहरा बिल्कुल ही नीचे झुक जाता है, झाऊ के आंखों से आंसू बहते हैं, झाऊ वेन की वो हालत देख नहीं पा रहा होता है। तो वो पुलिस वाला सीधे झाऊ के फेस को जोर से एकदम कस के पकड़ लेता है और बोलता है, देख इसे देख, शर्म आ रही है तुझे, बुरा लग रहा है, हाँ ये सब तूने किया है इसके साथ, ये देख इसकी बॉडी देख रहा है, इसकी हालत देख रहा है, ये सब तूने किया है, तूने। झाऊ के कुछ समझ में नहीं आता कि क्या वाकई ने में उसने ये सब किया है। झाऊ के सर में जो कि इतना दर्द रहता है, झाऊ सोचता रहता है कि ये सब कब हुआ और क्या हुआ, झाऊ के कुछ समझ में ही नहीं आता। अब झाऊ अपने सर को पकड़ के बैठ जाता है, बोलता है, मैंने ऐसा कब किया, मैंने ऐसा नहीं किया, ये सब गलत है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पुलिस वाला बोलता है, अच्छा बेटा तो तूने नहीं किया ये सब, मैं जब उस बार में आया था छापा मारने तो मैंने साफ देखा था, तू ही था वो जो इसके निकट बॉडी पर पूरा सोया हुआ पड़ा हुआ था, इसकी हालत कितनी ख़राब थी, मैंने इसे देखा था और मैंने तुझे भी देखा था, जिसके दांतों पर और होठों पर हल्के खून और हल्का मांस था। झाऊ जैसे ही सुनते हैं अपने होठों को तुरंत साफ करने लग जाता है, दांतों को साफ करने लगता है, झाऊ की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। झाऊ कुछ नहीं समझ पाता कि उसके साथ क्या हुआ। अब झाऊ को याद आता है कि झाऊ तो लास्ट टाइम वांग के साथ था और ड्रिंक कर रहा था, पर धीरे धीरे उसे नशा बढ़ते गया और वांग उसे लगा
लगातार ड्रिंक करवाता रहा और वांग बीच बीच में उसे कुछ अलग अलग नशे की मेडिसिन भी देता जा रहा था। झाउ जब ये सब कुछ याद करता है तो झाउ हैरान रह जाता है और बोलता है, वांग तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। अब यहाँ से सीन कट होता है। पुलिस वाला वापस झाऊ को लॉकअप में बंद करने के लिए ले जाता रहता है। झाऊ पुलिस वाले से कमिश्नर से हेल्प मांगता है कि सर सर मैं आपके साथ जाऊंगा, वापस जाऊंगा, पर प्लीज़ आप मेरी एक हेल्प कर दीजिए। पुलिस वाला मना करता है कि नहीं, तो झाऊ बोलता है प्लीज़ आप मेरी अभी मदद कर दीजिए, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगा, और इस लड़के का देखभाल भी मैं ही करूँगा, पर प्लीज़ अभी मेरी हेल्प कर दीजिए। पुलिस वाला मान जाता है और बोलता है कि क्या हेल्प चाहिए, तो झाऊ बोलता है मैं बस अपने उस दोस्त से मिलना चाहता हूँ। तो पुलिस वाला बोलता है कौन दोस्त? वो जो तुम्हें बेल करवाने आया था। तो झाऊ बोलता है हाँ जी हाँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो पुलिस वाला उसे जाने की इजाज़त देता है। अब झाऊ जो कि वांग के घर पहुँचता है और सीधे ही वांग को बोलता है, वांग ये सब तुमने क्या किया? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी उस गलत मेडिसिन के चक्कर में, तुमने जो कुछ भी मुझे नशे की दवाई दी थी उस चक्कर में मैंने एक लड़के के साथ इतना सब कुछ गलत कर दिया। आज पुलिस वाले मुझे पकड़ लिए हैं। मैंने उस बच्चे के साथ पता नहीं क्या कर दिया, उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। वांग बोलते हैं भाई मैंने तुझे कोई गलत मेडिसिन नहीं दी, तू तो बस ड्रिंक कर रहा था। तो झाऊ बोलते हैं मैं ड्रिंक कर रहा था? भाई तूने को मुझे अच्छे से याद है, तू बहुत सारे नशे की मेडिसिन दे रहा था मुझे। वांग बोलते हैं भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झाऊ बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारता है वांग को और बोलते हैं मुझे पता है तूने ही किया है, तू झूठ मत बोल। तब वांग एक डेविल स्माइल करता है और बोलते हैं हाँ मैंने किया है, मैंने किया है। और अब वांग झाऊ के कॉलर को पकड़ लेता है और बोलता है हाँ मैंने किया है, ये सब कुछ मैंने किया है। जानना चाहता है क्यों? तू बहुत हैरानी से देख रहा है ना मुझे, हैरानी हो रही है ना तुझे, तू जानना चाहता है क्यों? अब वांग सीधे झाऊ का कॉलर पकड़ता है, उसे हॉस्पिटल लेके जाता है जहाँ उसकी माँ है, और लेके जाता है सीधे वहाँ खड़ा करता है और बोलता है इन्हें देख रहा है, ये जो एक लाश जैसी पड़ी हुई है जिनके बॉडी में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रहा, ये कौन है तुझे पता है? झाऊ कुछ नहीं बोलता, झाऊ के कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वांग क्या बोल रहा है। वांग बोलता है ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है जिनके प्यार के लिए मैं पिछले 12 सालों से तरस रहा हूँ। झाऊ समझ नहीं पाता पिछले 12 सालों से। वांग झाऊ को बोलता है तुम्हें पता है इनकी हालत कैसी हुई है? तुम्हारे पापा के कारण मैंने अपने मम्मी का प्यार नहीं पाया, तुम्हारे पापा के कारण मेरी मम्मी आज मुझसे दूर है, तुम्हारे पापा ने मेरी मम्मी का रेप किया, अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर मेरी मम्मी का रेप किया तुम्हारे पापा ने। झाऊ के होश उड़ जाते हैं, झाऊ कुछ नहीं समझ पाता कि आखिर वांग क्या बोल रहा है, और वांग रोता रहता है, बोलता है तुम्हारे पापा ने मेरी मम्मी का रेप किया और आज मेरी मम्मी की यह हालत है, वो कोमा में जा चुकी है, मैंने अपनी मम्मी को खो दिया है और तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे बदला लेना चाहता था, तुम्हारे पापा तो कब का जा चुके हैं, तुम्हारे पापा तो ख़त्म हो चुके हैं, जैसे तुम्हारे पापा ने 4 दोस्तों के साथ मिल के तुम्हारी मेरी मम्मी का रेप किया था ना, उन्हीं उन्हीं चार ये जो
बाकी के तीन दोस्तों ने मिलके रेप किया था, उन्हीं बाकी तीन लोगों ने तुम्हारे पापा को मार डाला, उन लोगों ने तुम्हारे पापा को मार डाला, पर मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता था, मुझे बदला लेना था और मैंने आज बदला ले लिया। देखो तुम किसी और के साथ इतना गलत करने के कारण आज यहाँ हो, एक पुलिस स्टेशन पहुँच चुके हो। जब तुम्हें पुलिस उठा कर ले जा रही थी, मुझे बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और हाँ, अब हो ना हो मेरे पापा की आत्मा को सुकून मिलेगा कि मैंने ऐसा किया है। मेरे पापा की आत्मा को बहुत सुकून मिलेगा। और मेरी मम्मी जब भी ठीक होंगी, मैं अपनी मम्मी को बताऊंगा कि मैंने उनके साथ जो कुछ भी हुआ उस चीज़ का बदला लिया। मेरी मम्मी को बहुत सुकून मिलेगा। सीन यही कथोरा है। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जय विंचो दोस्तों।